विलियन का आया था फुलहम के लिए, और उसके बाद लिवरपूल की तरफ से कर्टिस जोन्स और गैकपो ने गोल कर दिया है। और लिवरपूल के लिए ये सीजन अब अच्छा जा रहा है, पैर तो डाल चुकी है फाइनल में। ये वाला मैच फर्स्ट लीग था जो कि एनफील्ड में खेला जा रहा था लिवरपूल की होम क्राउड के बीच में। अब जो दूसरा मैच है वो खेला जाएगा अर्गन क्लॉप के लिए। बहुत अच्छा सीजन अर्गन क्लॉप के लिए, सीजन अच्छा जा रहा है। इंजरीज हैं बट अभी भी वो टॉप नहीं मिल पाए बड़े सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर वो साइन नहीं कर पाए, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में काइसेडो साइन नहीं कर पाया। पता नहीं अब तक ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गई शायद काइसेडो साइन नहीं करना। चलिए लिवरपूल का सीजन अच्छा जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं वो प्रीमियर लीग में क्या करते हैं, टाइटल रेस कहाँ तक ले जाते हैं, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के साथ टाइटल रेस में क्या होता है, एंड तक कहाँ कौन जाती है। हालांकि अभी तो लग रहा है कि एंड में मैनचेस्टर सिटी ही ले जाएगी। रियल मैड्रिड के बीच में 5-3 से रियल मैड्रिड जीत गई, और ये मैच में रूडीगर के लिए ये मैच अच्छा गया था। उस ब्राहिम डियाज और जोसेलू से आए थे, जोसेलू और ब्राहिम डियाज के लिए भी ब्राहिम डियाज के लिए मैच अच्छा गया था जो पिछले साल इसी मिलान में थे ब्राहिम डियाज, अब रियल मैड्रिड में आके बेंच से अच्छा कर रहे हैं। और बात किया जाए जो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, केपा लुनिन के बीच में कंपटीशन है। केपा उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं, 5-3 गोल अब वो खा 3 गोल वो उन्होंने खा लिया है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, और काफ़ी प्रॉब्लम लग रही हैं वो, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह रही है। लुनिन से अगर कई लोगों से बात किया जाए तो अब क्रिटिक्स का कहना है कि लुनिन केपा के बीच में ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है। देखा जाए केपा का क्या होता है, केपा क्या इस एंड सीजन के एंड तक रख पाते हैं अपनी जगह रियल मैड्रिड के गोल पोस्ट पे। और इंटरेस्टिंग यह है कि चेल्सी से अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अभी वो लोन पे है, चेल्सी कैसे उनको हटाएगी, क्या वो उनका क्या फ्यूचर होता है, अब क्या वो सऊदी जाएंगे या कोई टीम उनके लिए आएगी, उनका फ्यूचर बड़ा मुश्किल लग रहा है। लाइक रियल मैड्रिड के लिए उन्हें अपने परफॉर्मेंस अच्छी करनी, पर शुरुआत में अच्छी परफॉर्म कर रहे थे पर अब धीरे धीरे डाउन हो चुका है, अब वो गलतियां कर रहे हैं जो कि वो जनरली हमें पता है कि केपा गलतियां करते हैं। आगे बात किया जाए तो बार्सिलोना ओसासुना का मैच है जो दूसरा वाला जो सेमीफाइनल है बार्सिलोना और ओसासुना के बीच में है, तो उसमें क्या होता है अब देखा जाए। अगर बार्सिलोना जीत जाती है तो यहाँ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का फाइनल होगा सुपर कोपा में, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। चलिए ऑल फॉर द बेस्ट, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।